सांप ही है, काफी बड़ा सांप है। क्योंकि मैं बाथरूम जाना था तो देखा तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, तो देखा तो बाथरूम बंद हो गया। गाड़ी और नीचे है ना नदी है, रिवर है। कई जगह पे मैंने देखे, कई जगह पे ऐसी बस खिसके हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौजी। मौसम बहुत ही जबरदस्त है, अभी बारिश पड़ रही थी और अभी धुंध है, और क्या ही नजारा आ रहा है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और लड़के अपने उठे नहीं हैं अभी भी। तो यहाँ से ये जाएंगे वापस जलंधर और मैं जाऊंगा आगे कांगड़ा। बाकी यही प्लान है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये देखो गाइस, फिर से स्टार्ट हो गया बारिश, बहुत तेज है यार। अभी मैंने निकलना था यहाँ से, अभी लेट हो जाऊंगा, टाइम काफी हो गया। तो नाश्ता तो हमने कर लिया है, इसका चल रहा है अभी भी। तो ये जा रहे हैं अपने बैग, और बारिश थोड़ी थोड़ी है, अभी हम हो गए हैं रेडी। वो खड़ी नीचे अपनी कार, ये खड़ी है। 2 अक्टूबर है और स्कूल के बच्चे देखो गांधी जयंती के लिए जा रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है आज, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा भीड़ है। मेलो बारिश है, चंगा बेटा। ओके 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 डार्लिंग, चल मेरा नवा टूर बढ़िया निकले। गाइस पेट्रोल ना 2 डंडे रह गए थे, फुल फुल कर दो, कम है यहाँ पे। तो डलहौजी से 8 किलोमीटर नीचे आके फिर आता है ये पेट्रोल पंप, तो बिल्कुल ही तेल कम हो गया था, देखते हैं कितना गया। तो गाइस मैं जब घर से चला था ना, तो मैंने टंकी इसकी फुल करवा ली थी और मीटर को 0 कर दिया था, ताकि मेरे को पता लग सके कि कितने किलोमीटर चलेगी एक मतलब फुल टंकी में। तो मेरे को पता लगा है ये 500 किलोमीटर चल रही है फुल टंकी में पूरी। जैसे अभी देखो ना 450 किलोमीटर है अभी, और 2 डंडे पड़े थे तो 50 किलोमीटर उसका लगा के चलें तो 500 किलोमीटर चलती है। उस हिसाब से अगर पेट्रोल के प्राइस के हिसाब से लगाएं तो 20 की एवरेज दे रही है गाड़ी। बाकी यार अभी ना जैसे बारिश होके हटी है तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, और जैसे होता है ना नेचर, जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर ना मिट्टी जमी होती है तो ग्रीनरी सही से दिखती नहीं, तो जब बारिश चल पड़ जाती है ना तो उसके बाद जो पत्ते साफ हो जाते हैं तो ग्रीनरी अच्छे से उभर के आती है फिर। तो वही हो रहा है अभी भी, ग्रीनरी बहुत दिख रही है। गाइस अब रुके हैं नाश्ता करने के लिए, बाकी सुबह तो कर लिया था यार। व्हाट व्यू, फाइनली अब निकलते हैं। बाय। सो गाइस 20 से 25 किलोमीटर नीचे उतर के ना डलहौजी से, तो एक ना रास्ता मतलब चौक सा बना हुआ है वो, और वहां पे पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, चेक पोस्ट भी बना हुआ है, वहां से आप पूछ सकते हो। एक लेफ्ट को ना ऊपर को रास्ता जाएगा, वो जाता है कांगड़ा को, तो वही रास्ते पे हैं हम। ये देखो कांगड़ा यहाँ से है 75 किलोमीटर अभी। तो आप देखो ये ना जैसे रास्ते हैं, जैसे पहाड़ हैं, कई जगह पे मैंने देखे, कई जगह पे ऐसी बस खिसके हुए हैं, ऐसे लाल लाल मिट्टी है,
तो सड़क पूरी मतलब टूटी हुई है अभी तो, ठीक है। पीछे बहुत ही खराब थी, ये देखो ये भी ना यहाँ से रिसका हुआ है, ये पत्थर पड़े इसके खिसका सॉरी। तो देखो लाल जी पहाड़ आ गए हैं, जैसे यहाँ से ये खिसका हुआ है देखो इधर, इसको जो अगर मैं थोड़ा सा भी गिराऊं ना यहाँ पे, ऐसे देखो वो देखो कितनी दूर तक जा रही। तो थोड़ा सा एक पत्थर भी गिरता है ना अगर, तो वो भी इफेक्ट पाता है पूरा मतलब। बाकी व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, उधर भी वो खिसके हुए हैं वो पहाड़ सामने वाले। वो पौड़ीनुमा खेती होती है, जिसको पौड़ीनुमा खेती कहते हैं ना, पहाड़ों की पौड़ी के टाइप ये खेती करते हैं यहाँ इधर। बाकी ये खड़ी है अपनी अल्टो, चलते हैं आगे। मेरे को ना अभी एक सांप दिखा है, रास्ते में पड़ा है यार। मैं ना हमेशा से कहीं पे भी ऐसी कोई चीज दिखे ना मेरे को, मैं उसको साइड में कर देता हूँ। ये देखो सांप ही है, काफी बड़ा सांप है, तो इसको उठा के ना अभी साइड पे कर ही देते हैं। वैसे जहर तो नहीं होगा। हाँ तो यार बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट किसी ने सिर दबा दिया, तो इसको थोड़ा ना साइड में रख देते हैं, कोई जानवर ना खाए इसे। चलो वो साइड में रख दिया, मतलब किसी को दिखेगा नहीं अब, और अपने हाथ धो लेता हूँ मैं। अपनी गाड़ी और नीचे है ना नदी है, रिवर है, तो नीचे जाने का ट्राई करते हैं, उसके पास जाके देखते हैं थोड़ा। टूटा हुआ है यहाँ से। आई थिंक यहाँ से जा सकते हैं, लेट्स ट्राई। मेरे को ध्यान से उतरना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं रिवर के पास। और ये है रिवर, वाव बड़ा ब्यूटीफुल साउंड। पानी चेक करें कितना ठंडा ठंडा कितना है पानी, देखें। अरे मेरे पैर ना स्लैप हो जाए यार। ओह वाव बहुत ठंडा पानी है यार, वाव। ओ ऊपर खड़ी है अपनी कार, और ये है हम। दो मिनट बैठ के फिर चलते हैं ऊपर। तो गाइस जब हम डलहौजी से कांगड़ा जाते हैं तो पहले तो रास्ता काफ़ी ख़राब है, क्योंकि रास्ता अभी बन रहा है, और जो बना था वो लैंडस्लाइड होने की वजह से काफ़ी टूट भी गया है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड मिलती है आपको।
बट जब आप रास्ते पे जाते हो ना, तो कुछ ऐसी मतलब सीनरीज आती हैं जिसको देखने में ही मन भरता है यार, इतनी ब्यूटीफुल है। देखो पानी को काट काट के ना, पत्थर जो मतलब जो पहाड़ है उन्होंने कैसी शेप ले रखी है, ऐसा लगता है किसी और ही कंट्री में आ गए हैं। बाकी ऐसे व्यू बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं इस रास्ते पे और मज़ा भी आ रहा है। तो गाइस डलहौजी से 66 किलोमीटर आ गए हैं आगे, और आप ज़रा व्यू चेक करो। वाओ यार, दिसंबर के महीने में हूँ, वहाँ पे सारी बर्फ़ होती है टोटली, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। आगे देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, पता नहीं ये पाइप का पानी है या क्या है, निकल रहा है पर नीचे से। ये गांव है, हम रुके हैं यहाँ पे, ये ढाबे का नाम है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है यार, देखो ग्रीनरी ग्रीनरी। और यहाँ से होगा कांगड़ा 50-55, आपको दिखाता हूँ व्यू। व्यू चेक करो यहाँ का, ये देखो गाइस ये व्यू है। और ये देखो बैठने के लिए इन्होंने मतलब लकड़ी के ना काट काट के वो बनाए हुए हैं, कुर्सी बनाई हुई है, टेबल कुर्सी। और सामने व्यू है, यहाँ पे खाएंगे हम खाना। तो ये आ गई ये अपनी खाना, ये बड़ा है मेरे को शौक का। देखो गाइस पेठा कितना कितना बड़ा है, बेच रहे हैं। ये तो मैंने ले लिया है इनसे 20 रुपए का, खा के देखें ये ताजा बनाते हैं। आ रहे हैं आप, हम आने चाहिए यहाँ। टेस्टी है, नॉट बैड यार, अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट, पर होना ही चाहिए, ताजा बना हुआ है। हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला, और बस यहाँ से रह गया देखो 7.5 किलोमीटर, पहुंचने वाले हैं। ये आ गया इस सामने टेंपल, और ये है पार्किंग। अभी पूछना है यार पार्किंग में सोने। गाइस ये है पार्किंग, मंदिर के बिल्कुल ही सामने वाली पार्किंग में अपने को जगह मिल गई है। वैसे तो पार्किंग बहुत भरी हुई थी, तो अभी खाली हो रही है, वैसे वेट करना पड़ा थोड़ा टाइम, तो अपनी गाड़ी इस गाड़ी के पीछे लगी हुई है, ये लगी हुई, ठीक है अपनी गाड़ी लग गई, उनसे बात हो गई है। मैंने बोला कि मैंने नाइट स्टे करना है यहाँ पे, तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये 3 घंटे के, और उसके बाद जो 1-1 घंटे के 10 रुपये जुड़ते जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर मैं सुबह 8-9 बजे तक कर देखूँ तो 200 से प्लस ही बनेंगे जितना भी टाइम हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 तो इतना तो चले गई। बाकी अभी अपने थोड़े कपड़े चेंज करके, बूट निकाल के, चप्पल डाल के, और चलते हैं मंदिर हाथ मुंह धो के, ठीक है चलो। तो ये आ गए जी हम गेट में, जय हनुमान, तो जाएंगे अंदर। फ्रेश हो गए थे, मुँह भी धो लिया था, और मैंने शूज़ निकाल दिए। भीड़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आ गया जी मंदिर का गेट, और हमने प्रसाद ले लिया है। ये देना, कौन सा वाला आपने?
दीपक नहीं रखते आइए। ये जी मंदिर करो दर्शन। गए जी बाहर, अंदर ना फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो इसलिए दिखा नहीं सके अंदर से। बाकी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पेंट दोबारा से हो रहा है मंदिर को। ये ना मंदिर के साथ में ना अंदर ही मंदिर के छोटी छोटी मूर्तियाँ और छोटी छोटी मतलब पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनके नीचे उनके बारे में लिखा हुआ है। एक्चुअली ना ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा पढ़ा नहीं जा रहा। बाकी अगर कोई भी आओ तो अगर आपको पढ़ना आता है तो आप देख सकते हो। इस साइड ये पिक्चर्स लगी हुई हैं और उस साइड मूर्तियाँ स्टेच। ये देखिए बजरंगबली जी की। ये मंदिर का पूरा व्यू। और ये हवन के लिए जगह बनी हुई है जहाँ पे पंडित मतलब बैठ के हवन करते हैं। अभी भी ना धुआं चल रहा है इसमें। इस साइड भी बनी हुई है जगह। और ये काफी पुरानी बनी हुई है आई थिंक। बहुत पुरानी। बता रही हूं अगर इसके माता पिता मेरी और सुनते हो तो बच्ची को आके ले जाओ। जय माता दी। गाइस किसी की ना बच्ची खो गई है 12-13 साल की, उसकी अनाउंसमेंट हो रही है कि अपनी बच्ची ले जाओ आके। सो गाइस अभी है ना आके गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ तो अभी थोड़ी दुई बहुत दुख रही थी, मैं अगर रेस्ट करते हैं। बाकी मैं मंदिर जा आया था और फिर थोड़ा जाएंगे मार्केट घूमने, थोड़ी रेस्ट कर लें अभी। बाकी देखो मैंने पार्किंग में लगाई थी गाड़ी और यहाँ पे लगी अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी खाना खाने के लिए बाहर आया हूँ, टाइम 7 बज रहे हैं। वैसे तो फास्ट फूड बहुत है उधर भी है आगे भी है, पर देखते हैं कहीं रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ और खा लेंगे। वो सामने मंदिर है और थोड़ा घूम के भी आते हैं। सब्जी मंडी है इसके साथ में ही, फ्रूट्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। इसके आगे थोड़ा शहर है उस तरफ ही जा रहे हैं।
और कमल ढाबा है, काफी फेमस है। और वहीं पे आए हम, 80 रुपए की थाली है यहाँ पे, मिक्स थाली, और उसमें है चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, 80 रुपए में। ये ठीक लगा मेरे को, यही मंगवा लिया। बाकी मैंने ना थोड़ी सी मूंगफली ले ली थी खाने के लिए। इधर ना एक पार्क बनी हुई है बहुत बड़ी, थोड़ा इधर आके जो बस स्टैंड के साथ में, काफ़ी ब्यूटीफुल सी बनी हुई है, ये देखो। इसके अंदर चलते हैं, खेड़ भी रहे। तो गाइस, कांगड़ा में आज मेरा पहला दिन है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। सबसे बेस्ट और सबसे फेमस है किला, जो कि हम कल देखने जाएंगे, तो कल वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे 2-3 दिन रहूँगा। 80 रुपये में इसके नीचे आई से। सो गाइस, अभी मैं बाहर आके बैठा हूँ क्योंकि मैं बाथरूम जाना था, तो देखा तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, तो देखा तो बाथरूम बंद हो गया। अभी बाहर बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, सोच रहा हूँ क्या करूँ। सो ये वीडियो यहीं तक थी गाइस, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।